हेलो बच्चा पार्टी, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू प्रैक्टिकल, वो है आइडेंटिफाई करना डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं देख लीजिए, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, एस्केरिस और रिंगवॉर्म। तो अभी आपके सामने मैं सब स्लाइड रख रहा हूँ, वन बाय वन करके आप सब स्लाइड को देख लीजिए। अब हम स्लाइड को हम वन बाय वन ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिका के बारे में। तो उसके कुछ फीचर्स मैंने दे रखे हैं, आप इनको आराम से रोक के स्टडी करें। और हर बार की तरह कॉमन सी बात है, परमानेंट स्लाइड को स्टडी करने का कॉमन तरीका होता है, आप स्लाइड को लें माइक्रोस्कोप में, 10x पे लाइट सेट करें। लाइट सेट करने के बाद में आप स्लाइड को रखें और उसको ऑब्जर्व करना चालू करें। जैसे ही आपको 10x पे कुछ इमेज दिखना चालू हो जाती है, उसको एकदम अच्छे से एडजस्ट करके तो क्लियर देखें। क्लियर करने के बाद में आप क्या कीजिए, उसको 45x पे टर्न कीजिए। 45x पे टर्न करने के बाद में उसको जो कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जर्व करना है उसको आप आराम से ऑब्जर्व करें और उसके कॉन्सेप्ट को सीखें। माइक्रोस्कोपिक आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में अब आपको इस एंटामीबा से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, 45 के बाद में जब उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसके लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको बता रखा है कि एंटामीबा से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और जो एंटामीबा है इसका जो सिस्टमेटिक पोजिशन है, यानी इनके क्लासिफिकेशन में इसको कहाँ रखा गया है, वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है। तो उसका कौन कौन सा इसका जो डिपार्टमेंट है, वो किस डिपार्टमेंट में इसको रखा गया है, तो मैंने आपको शो कर रखा है। अगली स्लाइड है हमारे पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये हमारा पैरासाइट है, इसको हम स्टडी करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, ये 10x का व्यू है। ये 10x पे आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप इसे 45x पे टर्न करिए और 45 पे इसको ऑब्जर्व कीजिए, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। और 45 पे अगर आपको अच्छे से नहीं हो पाता है तो आप लोग, अगर आपके पास में आस पास वो लेबोरेटरी है तो आप वहाँ से प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपको कैसा दिखाई देता है। आप बेसिक जानते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में, मलेरिया डिजीज़ में हमारे बॉडी में एंटर करता है, ध्यान रखना, मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। और ये इसका सिस्टमेटिक दिखा रखा पोजिशन मैंने। ओके, हमारे आगे की स्लाइड है वो एस्केरिस। एस्केरिस के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि जब भी आप बुक खोलोगे तो एस्केरिस के बारे में बहुत कुछ डेटा लिखा मिलेगा आपको, तो आप लोग अपनी बुक की मदद से लें। और इसके दो मॉडल अवेलेबल हैं, मैं जो दिखा रहा हूँ, मेरे पास में ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा इसका डमी मॉडल भी अवेलेबल होता है लैब में, शायद आपकी लैब में अवेलेबल होगा। तो आप अपनी बुक से ये मॉड्यूल से इसको स्टडी करें और समझें। अगला हमारे पास में रिंगवर्म फंगस है, इस टाइम स्टडी करने वाले हैं। तो सिंपल सी कॉमन स्लाइड ली, स्लाइड को 10x पे सेट करें, देन 45 पे टर्न कर लीजिए। तो ऐसे आप पूरे जितने भी मेरे अपने 12th के सिलेबस में डिसीज़ दे रखी हैं वो मैंने आपको इन सबकी परमानेंट स्लाइड आपको बता दी है। और जो आगे आने वाला प्रैक्टिकल है वो रहेगा हमारा सॉइल का टेक्सचर का। बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है सॉइल टेक्सचर प्रैक्टिकल में, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए। अब हमारा आने वाला अपकमिंग वीडियो है सॉइल टेक्सचर प्रैक्टिकल। तो गाइस, वीडियो को शेयर करें, हर एक बच्चे को वीडियो भेजें। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।